हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 15 संविधान का निर्माण से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं। वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, और जो स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल पे, तो आप लोग पुराने वीडियोस के लिए हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मैंने हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, ये आई बटन से आप वीडियोस को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप लोग वहां से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या आपके सभी दोस्त आ चुके हैं? अगर नहीं आए तो फटाफट से आप लोग एक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी लोग इस सेशन से जुड़ जाएं। चलिए सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। शुरू करने से पहले बता दूं कि आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो, नीचे कमेंट में कमेंट करते चलेंगे, ताकि आपकी तैयारी कैसी चल रही है हमें पता चल सके। और जिनको आंसर ना नहीं पता है, मतलब अभी तक रिवाइज नहीं किए हैं, वे आराम से वीडियोज को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। देखिए, 2009 में, 2013 में, 2015 में, 2016 में, 2019 में आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो फटाफट से जिनको आंसर पता है नीचे कमेंट में कमेंट करते चलेंगे। चलिए फटाफट से जिनको आंसर पता है नीचे कमेंट में कमेंट करते चलिए। बिल्कुल सही, बहुत लोगों का ऑप्शन डी आ रहा है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत लोगों का आपका है बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। बहुत लोग आ रहा है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही साथियों। जिनका जिनका ऑप्शन डी है उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, गजब की तैयारी साथियों आप लोगों की। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर होगा। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर, याद रखेंगे आप लोग, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर टू, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, 2009 में पूछा गया, 2013 में, 2015 में, 2016 में। गजब 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 का आपका आंसर है, गजब, बहुत अच्छा आंसर, बिल्कुल सही। जिनका जिनका ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, कहा तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। और क्या बात है, बहुत सभी लोगों का ऑप्शन डी है, गजब की बात है, ऑप्शन डी द राइट आंसर, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो संविधान में, याद रखेंगे आप लोग। और मेरा शुरू से यही एम रहा है कि आप लोगों के जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाए, फुल्ली डिटेल के साथ कराया जाए, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता नहीं थे, तो इसका आप अर्थ क्या समझते हैं? संप्रभुता का अर्थ समझिए, इसका मतलब यह है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी, आंतरिक कहने का मतलब अंदरूनी और बाहरी, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, मतलब आजाद है, ये स्वतंत्र है, ये कोई भी निर्णय ले सकता है, इसमें कोई भी दूसरा देश दखल नहीं दे सकता है। तो इसका मतलब होता है आपका ये संप्रभुता निहित, तो आप लोग याद रखेंगे आप लोग। तो ये किस में है? तो निहित है, तो संविधान में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री नंबर है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शंस आपके सामने, देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे, ऑप्शंस है आपके सामने। चलिए फटाफट से आंसर आना चाहिए, फटाफट से आंसर आना चाहिए दोस्तों, फटाफट से आंसर आना चाहिए। थर्ड का बिल्कुल सही, जिनकी बहुत लोगों का ऑप्शन डी आ रहा है, क्या ऑप्शन डी सही है? फटाफट से, अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन किए हैं सभी का ऑप्शन डी ही आ रहा है, क्या या आप लोग इसका भी आंसर डी ही बोल रहे हो, ऑप्शन डी बोल रहे हो, यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन आप लोगों को लगता है कि सही है? बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे, तो आपको याद रखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2012 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया था साथियों, तो आप लोग याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भारतीय जो संविधान था, इसका निर्माण जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, और संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर, और 26 नवंबर कब बोले मैंने, 1949 को, 1949 को ये क्या हो गया था, तैयार हो चुका था। कितने साल लगे थे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, और ये 26
26 नवंबर 1949 को बनकर पूरा हो चुका था, मतलब राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था, और गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान अमल हो गया, मतलब अमल में लाया गया, उसको लागू किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि आपके भारतीय संविधान को मतलब कब लागू किया, तो 26 जनवरी 1950 को। मैं जितने भी क्वेश्चंस को बताता हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बताता हूँ, सब अपने आप में क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को वीडियो फास्ट लगे तो वीडियो को पॉज करिएगा, अगर मेरी आवाज किसी को फास्ट लगे तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं और कुछ स्लो मोशन में भी बोल सकूं। चलिए क्वेश्चन 4 है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। देखिए आ गया क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, तो अभी आपके सामने मैंने अभी पेश किया था 26 जनवरी कब किया था, तो 1950। बहुत लोगों का ऑप्शन भी आ रहा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन भी जिनका जिनका है, एक क्लैपिंग उनके लिए, एक लाइक सभी लोग दीजिए। चलिए फटाफट से आप लोग भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, तो 1950 जिनका जिनका ऑप्शन भी है, बहुत अच्छा साथियों, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को। और कब इसका बना था, इसका संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम, याद रखिएगा अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है। कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है, तो आप लोग याद रखेंगे इसका आंसर आपका, देखिए ऑप्शन, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, तो चलिए क्या होगा राइट आंसर, तो इसका आपका सही आंसर होने वाला है फ्रेंड्स ऑप्शन डी द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्यों, बहुत लोगों का ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव कब पेश करता है, तो 16 जून को नहीं, 16 मई को किया था, यानी जिनका इनका सी है। चलिए अगर यहाँ पर हम मई कर देते हैं तो आपका आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, और मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारियां दे दूं। जी बिल्कुल, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोगों को मतलब अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराई जाए। तो चलिए कैबिनेट मिशन जो 1946 का जो हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पहला नंबर आप लोग नोट कीजिएगा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा, संविधान सभा का गठन करना इसका एक मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन, यह गौण उद्देश्य था, मतलब इसको छुपा कर रखा गया था, लेकिन इसका उद्देश्य यही था, मिशन को प्रस्ताव करने का उद्देश्य भी यही था। थर्ड जो था आपका, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं क्या होता है, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, तो हमारे देश में जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो था हमारा फोर्थ जो पॉइंट था, चौथा उद्देश्य था, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा, मतलब समझ सकते हैं आप लोग कैबिनेट मिशन का ये सब जो अंतरिम सरकार जो गठन किया गया था, इसका यह प्रस्ताव में यही सब मुख्य उद्देश्य था इसका। और पांचवा जो था आपका, संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे, इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे, तो आप लोग याद रखेंगे ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही है, और वीडियो नहीं समझ आ रही तो प्लीज बोलिए जल्दी से, नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन 6 हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, चलिए क्वेश्चन 6 हमारा संविधान सभा के अध्यक्ष थे, फटाफट से आंसर आना चाहिए, ऑप्शंस आपके पास सामने, ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर अंबेडकर, सी है महात्मा गांधी और डी है जवाहरलाल नेहरू। चलिए फटाफट से कीजिए, संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे, ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलिए फटाफट से, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका जिनका ऑप्शन है बहुत अच्छा, जबरदस्त, इसी तरह से अगर आपकी तैयारी रही तो हम पूरे अच्छे से आप लोग मतलब अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपका 14 चैप्टर तक की वीडियोस पहले ही आ चुकी है, अगर जो बच्चे नए हैं, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज आप जाइए और पुराने वीडियोस को भी जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए सभी वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। और ये हमारा आज का जो है लास्ट चैप्टर चल रहा है, और संडे को 7 बजे सभी लोग रेडी रहेंगे प्रैक्टिस सेट के लिए। हर संडे हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। अभी हमारा हिस्ट्री खत्म हो चुका है, तो हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट चलेगा, इस संडे को भी हिस्ट्री का ही प्रैक्टिस सेट चलेगा, और बाकी जो हम लोग का और सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो चला रहा हूं मैं वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो उसका भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे, और एग्जाम आते आते तक हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को कर देंगे, और फिर जो आप लोगों की जो शाम सात बजे वाली जो क्लास है उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, केवल प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे ताकि आप लोगों का जो हो सके अच्छा प्रिपरेशन हो सके। चलिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 7, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे, चलिए फटाफट से, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे,
तो चलिए ऑप्शन आपके सामने साथियों, ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने चलिए 11, 19, 21 और 29। चलिए फटाफट से आप लोग समझिए क्यूज खेल रहे हैं। चलिए सबसे आंसर पहले कौन देता है ये भी आप लोग देखिए, सबसे पहले आंसर कौन देता है। आप अपनी स्टेमिना को बढ़ाइए, अपनी जो याद करने की क्षमता को बढ़ाइए, अपने माइंड आईक्यू को बढ़ाइए। तो 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सही साथियों, बिल्कुल सही। जिनका जिनका ऑप्शन है, संविधान सभा के कुल सत्र कितने सत्र हुए थे, तो 11 सत्र हुए थे। बिल्कुल सही, याद रखिएगा संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे, 11 सत्र हुए थे। मेरा मुख्य मकसद यही है आप लोगों को कि आप लोग, मैं एक क्वेश्चन को 4 बार रिपीट करता हूँ, 5 बार रिपीट करता हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में याद हो जाए। मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा जो आपका है ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के ऐतिहासिक काम को लगभग 3 सालों में, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर में 2 साल 11 महीना और 18 दिन था या 17 दिन, कितना था आप लोग को याद नहीं है, तो उतने दिनों में क्या किया था, पूरा किया था। लगभग आप कह सकते हैं 18 दिन, लेकिन मेन जो आपका ऐसे आपको मिलेगा 2 साल 11 महीना 17 दिन, लेकिन नहीं, 2 साल 11 महीना 18 दिन में पूरा हुआ था। और इस अवधि के दौरान 11 सत्र आयोजित हुए जो कुल 165 दिनों तक चले थे। आप लोग याद रखेंगे 165 दिनों तक चला था दोस्तों, याद रखना है आप सभी को। चलिए वीडियो फास्ट नहीं लग रही है सभी को, मेरी वॉइस सही लग रही है, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे फास्ट सुनना पसंद करते हैं और बहुत से बच्चे स्लो सुनना पसंद करते हैं, इसलिए मैं मीडियम ही बोलूंगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन को भी लाया गया था, टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन को डाला गया था। चलिए 2018 में पूछा गया है, यानी हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल सही ऑप्शन है जिनका इनका, बिल्कुल सही एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। बहुत अच्छा साथियों, गजब की तैयारी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे, ये जो आपका संविधान टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी के लिए नहीं, अभी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आपका एक अलग ही टर्म्स है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप अच्छे से अगर क्लास 12th की प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, तो जब आप जाइएगा कॉम्पिटेटिव क्लास में, कॉम्पिटेटिव क्लास में आपको जीके याद करने के मिलेगा, बस आपको जीएस याद करना पड़ेगा। जीके जैसे ही आपको याद करने को मिलेगा, आपको 100 में से आपको 75% आपको जीके पहले से याद रहेगा, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ के जा रहे हो, आप सिविक्स पढ़ के जा रहे हो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ के जा रहे हो, आप अर्थशास्त्र पढ़ के जा रहे हो, तो आपको सभी तरह के जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस आपका थोड़ा सा जो साइंस होगा उसी में आप लोगों को थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो आप लोग अभी से तैयारी जमकर कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत समय है दोस्तों, मैं बार बार आपको यही कहता हूं, आप लोग तैयारी जमकर कीजिए। संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन इधर राइट आंसर 9 का आपका सही आंसर हो जाएगा 82%, याद रखना है सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव आपको अच्छे से याद ही रखना है। देखिए तो कहा कि जाता है यहाँ पे, कह रहा है कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। मैं आपको बता दूं ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आंसर आपको कमेंट करना है, तो फटाफट से आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, तो इसका आंसर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए द राइट आंसर 13 दिसंबर 1946 को। जिनका जिनका 13 दिसंबर 1946 है उनके लिए एक लाइक बनता है मेरे तरफ से। चलिए ये लाइक है, समझिए कि लाइक कैसे होता है, हाँ लाइक ऐसे समझिए, लाइक आपको मैंने दे दिया। चलिए संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था दोस्तों, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर 13 दिसंबर 1946 को, यानी ऑप्शन इधर राइट आंसर, याद रखेंगे किसने प्रस्ताव पारित किया था संविधान सभा के सामने, तो याद रखेंगे संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था, पेश किया था, याद रखने हैं। क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, अच्छे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से कीजिए सभी लोग। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, और मैंने आपको बताया है कि अगर आपको मतलब एक बार आप वीडियो देखते हैं तो आपको 80% अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और फिर आपको क्या करना है कि 20% कंसेप्ट लेने के लिए आपको फिर से इस वीडियो को 2 या 4 दिन बाद देखना है, और उसी में आपको प्लेबैक स्पीड का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप वहां से फास्ट कर लेंगे। ऐसे भी मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोलता हूं, तो मतलब डिस्कस करने में ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ाता हूँ, तो इसलिए आप लोग अच्छे से समझिए, कंसेप्ट को समझिए और 100% कंसेप्ट को लीजिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे, सोमनाथ लाहिरी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था, सोमनाथ लाहिरी
का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था ऑप्शन आपके सामने कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, कांग्रेस पार्टी या मुस्लिम लीग। तो याद रखेंगे 11 का आपका सही आंसर होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन ए था राइट आंसर, सोमनाथ लाहिरी का जो आपका राजनीतिक दल से संबंध था कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध था। और सोमनाथ लाहिरी का जो जन्म हुआ था 1901 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1984 में हुई थी और ये भारत के एक राजनेता एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पे कि ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे और वे बंगाल से संविधान सभा के सदस्य भी थे, बाद में वे पश्चिम बंगाल की विधानसभा के सदस्य भी रहे। तो आप लोग इस तरह से आप लोग सभी टर्म्स को याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल याद रखिएगा और बंगाल संविधान सभा के सदस्य भी थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सभी को वीडियो समझ में आ रही है फटाफट से कमेंट कर दीजिए, यस यस कमेंट कीजिए, नो नो जो भी आपको लगे, वीडियो समझ में आ रही है तो फटाफट से कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट आना चाहिए, समझ में आ रही है वीडियो, चलिए फटाफट कमेंट, चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे, समझ में आ रही है वीडियो, चलिए बहुत अच्छा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे, कब हुए थे दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका भी आपका सही आंसर होने वाला 12 का, ऑप्शन है इधर राइट आंसर, जिनका जिनका ऑप्शन है बहुत अच्छा, गजब की तैयारी आप लोगों की, ऑप्शन है इधर राइट आंसर दिसंबर से जनवरी 1945 में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी, पहले आप लोग बता दीजिए, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? चलिए सभी लोग बताएंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, हर बार इस क्वेश्चन को मैंने देखा ही है, हर बार इस क्वेश्चन को मैंने देखा है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चलिए फटाफट से कमेंट आना चाहिए, बिल्कुल सही 1906 में, कहां में हुआ था जी, कहां में हुआ था बता दीजिए फटाफट, कहां में हुआ था, वाह गजब गजब गजब, बांग्लादेश ढाका, बहुत अच्छा। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति कब दी थी? तो याद रखिएगा 13 का आपका सही आंसर होने वाला है, बिल्कुल सही, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर, 16 जून नहीं, बिल्कुल 16 जून नहीं था दोस्तों, 6 जून था, आप लोग याद रखेंगे 6 जून 1946 को जो हुआ था मुस्लिम लीग ने, और 24 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना का जो हुआ था प्रस्ताव को स्वीकार किया था, याद रखिएगा 6 जून 1946 को जो मुस्लिम लीग ने इस योजना को मतलब स्वीकृति दी थी, और 24 जून को जो हुआ था आपका ये कैबिनेट मिशन कांग्रेस ने इसे जो हुआ था अनुमति दी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था, भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था, भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था, ऑप्शन है आपके सामने, तो आंसर आना चाहिए, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए आप लोग, क्या बोल रहे हैं जी, किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में कमेंट करेंगे, हमारे मॉडरेटर आप लोगों को हैंडल कर रहे हैं, आप लोगों को कमेंट में भी रिप्लाई दिया जाता है, कमेंट में भी रिप्लाई दिया जाता है, तो आप वहां से पूछिए, कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए 14 है क्या आपका सही आंसर होने वाला है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी द राइट आंसर, दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच, बिल्कुल ऑप्शन बी जिनका इनका, बहुत अच्छा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, 2018 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों। देखिये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भारतीय संविधान जो था आपका 1949 को आपका संविधान जो हुआ था बनकर तैयार हुआ था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे इसे बनाने के लिए, और इस कब लागू किया गया था दोस्तों, बिल्कुल सही जिनका जिनका ऑप्शन डी आ रहा है, बहुत अच्छा, 26 जनवरी 1950 को। देखिए आप लोग कहते हैं कि मेरा नाम सर नहीं लेते हैं, देखिए नाम क्यों, नाम लेने से क्या होता है ना, जो आपका थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, हम लोग डिस्कस ऐसे भी करते ही हैं, बातचीत करते ही हैं, तो आप लोग को पढ़ाई से मतलब है, और मतलब वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, जो बच्चे बाद में देखते हैं, जो तो अभी देख ले रहे हैं उनका तो मतलब अच्छे से समझ में आ ही जा रहा है, जो बच्चे बाद में देखते हैं तो ज्यादा मतलब इग्नोरेंस फील करते हैं नाम से, उनको ज्यादा लगता है कि मेरा समय ज्यादा बर्बाद हो रहा है, इसके कारण हमारे जो मॉडरेटर हैं आपको नीचे हैंडल करते हैं, आप लोग नीचे कुछ भी क्वेश्चन अभी लाइव चैट में पूछते चलिए, हमारे मॉडरेटर आपको उसका आंसर देते चलेंगे। चलिए भारतीय संविधान कब लागू किया गया, ऐसा नहीं है मैं भी आप लोग को आंसर देता हूं, आप लोग कमेंट में आंसर जो छोड़ते हो, आप लोग कमेंट करते हैं तो उसका हमें सभी को रिप्लाई देता हूं, चलिए सभी लोगों को रिप्लाई मिलता है ना जी, सभी को रिप्लाई मिलता है ना, सभी को रिप्लाई मिलता है ना, रिप्लाई देते हैं, सभी को रिप्लाई देते हैं। चलिए भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, ऑप्शंस आपके सामने, चलिए हाँ थोड़ा सा लेट से रिप्लाई मिलता है, हो सकता है 1-2 दिन लग जाए रिप्लाई आने में, लेकिन आप लोग को रिप्लाई जरूर दिया जाए। तो 15 का आपका राइट आंसर होने वाला है, बिल्कुल ऑप्शन डी द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, और आप लोग बहुत बच्चे लेट से जुड़ रहे हैं, क्यों जी, आप लोग 7 बजे पर डे आया कीजिए, 7 बजे पर डे आया कीजिए, लेट से मजदूरी आप लोगों की सेशन छूट जाती है, बहुत आप लोगों के लिए हानिकारक होने वाला है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ऑप्शन है आपके सामने, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन से
जाएगा राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, हमारे बिहार के ही थे, तो आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों के फी के तौर पे मैं आप लोगों से दो शेयर जरूर से जरूर मांगता हूँ, और आज यही बदौलत है कि आप लोगों के शेयर के कारण ही बहुत बहुत शुक्रिया मैं आप लोगों का कहता हूँ, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, ए वेरी वेरी थैंकफुल टू यू दोस्तों। इसी तरह से मैं फिर से आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा करूं, और आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चैनल से जोड़िए। आज हमारे पास बहुत ज्यादा बच्चे हो चुके हैं, लगभग 2000 के आसपास हमारे पास आ चुके हैं, तो आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल को ग्रो कराइए, आप लोग शेयर करते रहिए। मैं आप लोगों के जल्द ही सब्जेक्टिव क्लासेस भी अच्छे तरीके से तैयारी करा दूंगा, सभी आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, मैं तैयारी आप लोग की फुल्ली अच्छे तरीके से करा दूंगा। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो पता चल गया आप लोगों को, और दोस्तों शेयर आप लोग जरूर करें, शेयर आप लोग जरूर करें, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे शेयर जरूर करें, पढ़ाई करें भी और शेयर जरूर करें। देखिए फ्री में आपको मिल जाता है सब, और अच्छा कंसेप्ट आपको मिल रहा है, तो आप शेयर जरूर कीजिए ताकि और से और बच्चे इस चैनल से जुड़ सके। इस मंथ में कम से कम लाइव चैट में 50 बच्चे आ जाने चाहिए, उस मंथ में हम लोगों ने 35 बच्चे तक पहुंचा दिया, अब इस मंथ में कम से कम हम लोगों के पास 50 स्टूडेंट क्या होने चाहिए लाइव चैट में आ जाने चाहिए दोस्तों। तो आप लोग भी थोड़ा सा मतलब मेरे लिए हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए, और जो बच्चे नए हैं आप लोग प्लीज अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, तो 17 का आपका सही आंसर ऑप्शन इज द राइट आंसर, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति को गठन किया गया, और प्रारूप समिति के बारे में मैंने आपको बताया ही। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, ऑप्शन से आपके सामने 200, 225, 284, 300, तो 18 का आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी द राइट आंसर 284, जिनका जिनका सी है बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। और चलिए मैं आप लोग की जो टेस्ट सीरीज लाऊंगा तो टेस्ट सीरीज में आप लोग का पता चलता है कि आप लोग कितना पानी में है, आप लोग कितना पढ़ चुके हैं, कितना पानी में अभी आप जा रहे हैं, क्या ऐसे ही आप लोग घमंड किए हुए हैं, तो घमंड नहीं कीजिए, आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए, क्योंकि अभी आपका जो समय चल रहा है गोल्डन समय चल रहा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जैसे आपके बहुत सी वैकेंसी होती है और मार्क्स के आधार पर आती है, तो अगर आपका मार्क्स अच्छा रहेगा तो आप अच्छे मतलब अच्छे अच्छे चीज में फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे देखिए आप लोग जितने भी बच्चे भी मेरे चैनल से जुड़ सके हैं, सभी से मेरा उम्मीद है कि आप लोग 80+ लाएंगे। आर्ट्स में आप आसानी से ला सकते हो दोस्तों, साइंस में थोड़ी तकलीफ होती है, बट आर्ट्स में आप आसानी से 80+ ला सकते हो दोस्तों। और बहुत से बच्चों पर मुझे विश्वास है जिनका टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर आया है, वो 90 भी क्रॉस कर सकते हैं, 90 क्रॉस कर सकते हैं, बस बशर्ते कि आप लोगों की जो अभी जो लगन है, अभी जिस लगन से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसी लगन से आप लोग पढ़ते रहिए। तो 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो 284 आप लोग याद रखेंगे, सभी लोग को याद रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के संविधान बोले चलिए ठीक है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन से आपके सामने, तो मैं आपका इसका राइट आंसर मैं खुद बता देता हूं आपका, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन ए हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया, तो ऑप्शन से इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी, निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी, तो याद रखिएगा मैं आपको बता दूं इसका 21 का आपका सही आंसर, मैं आपको अच्छे से बता दूं, जो आपका जो यहाँ पर क्या टर्म्स आया है, भारतीय महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। चलिए क्या कमेंट कर रहे थे जी आप, नहीं चलिए ठीक है, हाँ इसी तरह से आप लोग आंसर को कमेंट करते चलिए। जो मैं बता दूं, दुर्गा बाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता बेगम, इजाज रसूल, अंबू स्वामीनाथन, सुचेता कृपालिनी, दक्षयानी विलयुद्धन, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मैस्केडिनी, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू, ये सब मतलब विजया लक्ष्मी पंडित, सभी लोग इसमें जितना भी ऑप्शन है ये सभी लोग भारतीय संविधान सभा के सदस्य रही हैं, ये सभी महिलाएं हैं, तो इन ऑप्शन डी जिनका जिनका है उनका बहुत अच्छा तैयारी साथियों। और मैं आपको बता दूं संडे को सभी लोग 7 बजे रेडी रहेंगे, हर संडे को अब रेडी रहेंगे आप लोग, जब तक आप लोग एग्जाम नहीं दे लेते हैं तब तक आप लोग हर संडे 7 बजे रेडी रहेंगे, आपकी टेस्ट जो होगी टेस्ट सीरीज चलाई ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, और टेस्ट सीरीज में बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे दोस्तों, 22 का सही आंसर क्या होगा, चलिए फटाफट से, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, बहुत अच्छा
चलिए याद रखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य तो दोस्तों याद रखने हैं आप लोगों को। तो मैं आपको 22 का राइट आंसर बता दूं कि ऑप्शन डी जिनका जिनका है इनमें से सभी, क्योंकि जो आपके कैबिनेट मिशन थे, कैबिनेट मिशन में बहुत से लोगों ने भाग लिया था। आपका ये जो तीन नाम आता है आपका मुख्य है, जो मैंने आपको अभी बताया, पॉथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, यही तीनों ने मिलकर कैबिनेट मिशन की मतलब सदस्य थे। ये तीनों ने मिलकर कैबिनेट मिशन की स्थापना की थी, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? और मैं आपको बता दूं, कल की वीडियोज में थोड़ा आवाज जो हुआ था कट चुका था, ठीक है, आवाज जो कट चुका था आप लोग कमेंट कर रहे थे, मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा था बट नहीं सुधरा, लेकिन हाँ रिकॉर्ड में अच्छा आवाज आया था, आप लोगों के पास नहीं पहुंचा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, तो उस वीडियोज को अपलोड कर दिया गया, तो आप लोग वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। चलिए 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया, ऑप्शन से आपके सामने, तो 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बहुत अच्छा, गजब गजब की तैयारी साथियों, सी द राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक, विधेयक निर्देशक स्वराज यहां पर आया, तो आप लोग बाल गंगाधर तिलक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कुछ क्वेश्चन आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं और क्वेश्चन आप कंसेप्ट से भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? और दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों शेयर जरूर कीजिए, हाथ जोड़कर विनती आप लोगों से, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के चैनल से जरूर जोड़िए, और नए लोग जो है वो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, एक ही मेरी रिक्वेस्ट रहती है आपसे, और वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? और हाँ, ना समझ में आए तो लाइक मत कीजिए, क्योंकि कम लाइक के कारण हमें अच्छा पता चल जाता है कि मैंने वीडियो पर कैसा मतलब कंटेंट डाला, कि बच्चों को समझ आया कि नहीं आया, दोस्तों को समझ आया कि नहीं आया, तो आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आया तभी लाइक कीजिएगा। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? ऑप्शन से आपके सामने, तो 24 का आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, 210 सदस्य, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों, 2019 में पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, इकबाल अहमद। क्या गजब का आंसर गया मेरे बोलने से पहले, ऑप्शन बी बहुत अच्छा, गजब, ऑप्शन बी द राइट आंसर, सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, और चार क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ करेंगे, बिल्कुल जोश के साथ करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, 4 लास्ट क्वेश्चन को बहुत ही मजेदार तरीके से करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है 1942, 1944, 1946, 1948। क्या राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। तो 26 का आपका सही आंसर आ रहा है सी द राइट आंसर, 1946। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो 1946 ईस्वी में, आप लोगों को पता है बहुत गजब की तैयारी साथियों, कैबिनेट मिशन जो हुआ था, इसका जो आपका जो गठन हुआ था, इसका जो मिशन जो अंतर्गत हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को। मैंने बहुत बार आपको ये डेट बताया है, 9 दिसंबर भी आपको बहुत बार मैंने बोला है, 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था आपका कैबिनेट मिशन द्वारा प्रदत्त ढांचे के आधार पर आपके संविधान सभा का गठन किया गया था, और संविधान निर्माण संस्था का चुनाव 389 सदस्यों, अभी मैंने आपको बताया था, वाली प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया गया था, जिसमें रियासतों से आपके 93 और ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य शामिल थे। तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, ऑप्शंस आपके सामने, और दोस्तों इसका आंसर बताने का आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं आपको आंसर इसका नहीं बताने वाला हूं। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यस मैंने आंसर को राउंड कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, ये सब याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, और यहाँ पर पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा 28 का भी आपका सही आंसर ये ही होगा, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से आप इन्हें जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वीडियोस को शेयर नहीं किया तो वीडियोस को शेयर जरूर करेंगे, नए बच्चे अपने फीस के तौर पे 2 स्टूडेंट को जरूर से जरूर चैनल से जुड़ेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो चलिए जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, याद रखिएगा 29 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी, 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? क्या इजी सा क्वेश्चन है सर, क्या इजी सा क्वेश्चन लाए हैं भैया आप, मतलब ये 2016 में पूछा गया था, मैं तो जाता तो मतलब एक नंबर मेरा
आ ही जाता, सभी लोग यही सोच रहे होंगे। तो चलिए भाई 2016 में क्या हुआ, 2016 में आया, हो सकता है आपके 2021 एग्जामिनेशन में भी आ जाए, तो क्या तैयारी करने में क्या जाता है, चलिए याद कर लीजिए। भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस चैनल पे तैयारी फुल्ली प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो जो लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपके पास छोटे छोटे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पर आप लोग इंस्टा है, वहां पर आप लोग क्या कीजिए वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। और बहुत से बच्चों ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, आप बहुत से बच्चों को मतलब यहाँ इस चैनल से जुड़ा है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं फिर से एक बार करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके हेल्प से ही मैं बढ़ सकता हूँ आगे, आपके हेल्प से ही मतलब चैनल ग्रो हो सकता है, आपके हेल्प से ही चैनल बढ़ सकता है। दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा। और हाँ, अब बहुत से बच्चे कह रहे थे कि शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कराइए, तो जल्द मतलब तैयारी एकदम होने वाली है, अब बस शुरू कर देंगे, कल या परसों से आप लोग की क्लासेस जो होगी आपकी लॉन्ग वाली क्वेश्चन वाली क्लासेस शॉर्ट वाली वो मैं शुरू करने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, सभी लोग अच्छे से रखेंगे। चलिए सभी लोग को मैं अभी ही गुड नाइट बोल देता हूँ, चलिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू, चलिए सभी लोग गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइस। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। चलिए कट किया जाता है, यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं हम लोग।